गुजरात में जानलेवा चांदीपुरा वायरस से अब तक 15 बच्चों की मौत हो गई है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के अब तक 29 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें 15 की मौत हो गई है। आपको बता दें कि चांदीपुरा वायरस बेहद खतरनाक है। महज 24 से 48 घंटे के बीच ही इस वायरस से मरीज की मौत हो जाती है। गुजरात में बढ़ते खतरनाक वायरस चांदीपुरा का अलर्ट पूरे राज्य में जारी कर दिया गया है। गुजरात के सीएम और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई और उनके साथ साथ स्कूलों को भी जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, चांदीपुरा वायरस सबसे ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। चांदीपुरम वाला जो भ्रम फैलाया गया था, भ्रम फैला भी हुआ था, वहां पर ये जो परीक्षण के लिए जो सैंपल पुणे भेजे गए थे उनमें 7 के अभी परीक्षण आगे आ भी गए हैं, उसमें एक ही पॉजिटिव कंफर्म हुआ है, बाकी के 6 नेगेटिव है। 29 जितने केस रिपोर्टेड हुए हैं, करीबन 14 जिलों में ये केस रिपोर्टेड हुए, उसमें से 15 डेथ अभी रिपोर्ट हुए है। मतलब के ये वायरल एनफेसेलाइटिस जो मगज के ताव के कारण मगज में एक प्रकार का सूजन आ जाती है, उसकी वजह से जो जितने 3-4 प्रकार के ऐसे दर्द होते हैं उसके अंदर भी झांक के देखा तो एक ही प्रकार का जो हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक ही तरह की होती है और उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी, उसकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक दवाई के तौर पे उसको क्योर किया जा सकता। गुजरात में दिन ब दिन फैलते इस वायरस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार कड़े कदम उठा रही है। जहां एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वायरस प्रभावित इलाकों में निगरानी के आदेश दिए हैं, तो दूसरी तरफ कर्मचारी ग्रामीण इलाकों में जाकर दवा का छिड़काव करने के साथ ही लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, क्योंकि ये वायरस बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई के जरिए फैलता है और वो कच्ची दीवारों की दरारों में और नमी वाले वातावरण में अंडे देती है। इसलिए लोगों के घरों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से इस वायरस से बचाव के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। गुजरात के जिन इलाकों से वायरस फैलने की सूचना मिल रही है वहां पर सर्विलांस को बढ़ाया जा रहा है। एम्स के पूर्व एचओडी डॉक्टर एम बाजपेयी का दावा है कि ये वायरस इतना खतरनाक है कि अगर 100 बच्चों के बीच वायरस फैला तो 70 की मौत हो सकती है। हमारे साथ में डॉक्टर एम वाजपेयी हैं जो एम्स से रिटायर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं बच्चों के मामले में। सर, कितना ज़्यादा घातक है ये? बहुत फेटल डिजीज़ है, क्योंकि बहुत कम समय में 24-48 घंटे में ये ब्रेन के पकड़ लेता है और मोर्टेलिटी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इमिजिएटली हाइजीन का ध्यान रखें। बुखार होता है, जैसे फ्लू के साधारण लक्षण हैं, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, दौरे भी पड़ते हैं, बहुत जल्दी बच्चा कोमा में चला जाता है। इसलिए कोई सिम्टम जो वायरल के अमूमन इस मौसम में होते हैं उसको हल्के से न लिया जाए। मॉर्टेलिटी रेट भी क्या है, मतलब अगर किसी बच्चे में हो जाता है, 100 बच्चे अगर 100 बच्चों में है तो किस तरीके की मॉर्टेलिटी रेट? 56-70% तक है। मतलब अगर 100 बच्चों में होगा तो 56 से हो गया ये, तो 56-70 बच्चे अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इमिजिएटली नहीं टाइम से मिला उनको तो ये हो सकता है, डेथ हो सकती है। 24-48 घंटे में फैलता है। पहाड़ पर लैंडस्लाइड तो मैदानों में बाढ़ का कहर जारी है। यूपी के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की मुहिम लगातार जारी है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर के सरसैया घाट में बने गुरुद्वारा और मंदिर दोनों ही जगह पर पानी पहुंच गया है। गुरुद्वारे की सीढ़ियों को बंद कर दिया गया है और गेट पर ताला लगा दिया गया है। दरअसल लगातार नरौना बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। आज भी लगभग 1 लाख क्यूसिक पानी कानपुर पहुंचने जा रहा है।
जिसके बाद पानी और बढ़ेगा और बाढ़ का खतरा भी बढ़ेगा। ऐसे में गुरुद्वारे में कमेटी मॉनिटरिंग कर रही है और जिले के अधिकारियों को रिपोर्ट भी दे रही है, कोई हादसा ना हो इसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। गंगा उफान पर और ऐसे में गंगा का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, जो अधिकारी और प्रशासनिक अमले के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। अगर बात की जाए बैराज की, तो बैराज के 16 गेट्स खोल दिए गए, 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और ऐसे में आप बहाव दे सकते हैं कि गंगा का बहाव इतना तेज है कि गंगा के किनारे ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से पानी बढ़ रहा है, जो लोग यहाँ पे गुरुद्वारे से नीचे आते हैं हाथ धोने, पैर धोने, माँ गंगा के दर्शन करने, उन पे खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उधर सांप बहुत आते हैं और जंगली कीड़े बिच्छू आ जाते हैं, उससे खतरा बढ़ा हुआ है। तो हमारा तो अपना यही कि माँ गंगा थोड़ा सा पीछे हो जाए, आने जाने लोग दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं कि सेवादार हैं, अब ये गुरुद्वारा है और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है क्योंकि बेसमेंट पूरा बना हुआ है और इस बेसमेंट में अब पानी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो सेवादारों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। वहीं दूसरी ओर शाहजहांपुर में गर्रा नदी में आई बाढ़ कम हो गई हो, लेकिन किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नदी किनारे बसे गाँव में कटान शुरू हो गया है, जिसके चलते दर्जनों मकान नदी में समा चुके हैं। किसान पलायन करने को मजबूर हैं, कई किसान अपना घर छोड़कर पलायन भी कर चुके हैं। यहाँ बाढ़ से 12 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। भयंकर बाढ़ से जहाँ खेतों में खड़ी गन्ने और धान की फसल नदी में समा गई है, किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सब मकान ऐसे साले चले गए, हाँ। कोई चीज नहीं लिखा रहे भाई, ऐसे सब बैठ गया। अच्छा हाँ, अपनी जान बचाने के लिए वो भाग गए हम। अच्छा हाँ, अब सारा मकान सब चला गया। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें हैं सिद्धार्थ नगर की, जहां कई स्कूल अस्पताल पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए, कई घर चारों ओर से पानी से घिरे दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आने वाले कुछ दिन बाढ़ बारिश के लिहाज से मुश्किल भरे साबित होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। गुजरात भी इससे अछूता नहीं है। मूसलाधार बारिश से नदियों में उफान है, कई पुल और सड़कों पर तो सैलाब बह रहा है। और गुजरात के द्वारका में इसी सैलाब के बीचों बीच एक कार फंस गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि भारी भड़कम कार टस से मस नहीं हो पा रही थी, यहां तक कि दरवाजा तक नहीं खुल पा रहा था, जिसकी वजह से जान बचाने के लिए ड्राइवर खिड़की के सहारे कार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। इस दौरान वहां पर मौजूद कुछ लोग ट्रैक्टर ले आए और उन्होंने रस्सी की मदद से गाड़ी को खींचना शुरू कर दिया और कड़ी मशक्कत के बाद कार को लहरों के बीच से निकाल लिया। गुजरात के गिर सोमनाथ से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पर माधव राय मंदिर परिसर पानी में डूब गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। मंदिर के खंभों के बीच से तो पानी इतने वेग के साथ बहता दिखा कि वहां पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई मंदिर नहीं बल्कि समंदर हो, जिसकी लहरें सब कुछ खुद में समाने को तैयार हो। असल में मूसलाधार बारिश की वजह से सरस्वती नदी में उफान आ गया, जिसका पानी मंदिर परिसर में घुस आया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं, डैम से लेकर वाटरफॉल तक ओवरफ्लो हो गए हैं। नदी में उफान आने की वजह से कई सड़कें सैलाब में डूब गई हैं, जिसकी वजह से गांव का संपर्क बाकी हिस्सों से टूट गया। प्रशासन की तरफ से लोगों से उफनती नदियों और ओवरफ्लो झरनों से दूर रहने की अपील की गई है। आफत आसमानी, पहाड़ से मैदान, सब पानी पानी। बारिश और बाढ़ के कारण कुछ ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों पर एक के बाद एक लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह पर लोग फंसे हुए हैं। अगर आप पहाड़ों पर यात्रा कर रहे हैं तो जरा संभल कर कीजिएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट है।
पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि भारी बारिश इन दोनों जिलों में हो सकती है, जबकि अन्य 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट है, यहां पर भी बारिश हो सकती है। वहीं प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। केदारनाथ हाईवे जिला मुख्यालय के पास पहाड़ से बोल्डर और पत्थर आने से बंद है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। सड़क को खोलने का काम जारी है। वहीं पिथौरागढ़ के मदकोट क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से खतरा बढ़ गया है। यहां मंदाकिनी नदी पूरे उफान पर है। नदी के उफान से कई सुरक्षा दीवार टूट गई हैं। यही नहीं, नदी के तेज बहाव और बारिश की वजह से पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। पुल के बेसमेंट में लगातार कटाव हो रहा है। इस इलाके में कई घरों में पानी भी घुस गया है। वहीं लैंडस्लाइड होने के कारण जोलजीबी मुनस्यारी रोड भी बंद है। यही रोड मदकोट क्षेत्र को भी जोड़ती है। नदी का जलस्तर है वो अभी बहुत 48 घंटे से बारिश होने के कारण काफ़ी बढ़ गया है, और जो मदकोट के देवीगढ़ और भोड़ाबगर का क्षेत्र है वो लगभग खतरे की जिद में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे तमाम सुरक्षा वाद जो तटबंध बनाए गए थे विभाग के द्वारा बनाए गए थे पूर्व में, जो एक भोड़ाबगर और देवीगढ़ को बचाने के लिए का काम करती थी, आज वो सभी सुरक्षा तटबंध यहाँ पे रह गए हैं। उसी तरह देहरादून मसूरी सड़क गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन होने से क्षतिग्रस्त हो गई है। देहरादून मसूरी मुख्य सड़क का करीब 15 मीटर का हिस्सा भी प्रभावित हुआ है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। राजधानी देहरादून में रेलवे बाईपास के अंडरपास में बारिश का पानी भर रहा है। थोड़ी सी बारिश से ही अंडरपास पानी से फुल हो जाता है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। अंडरपास के अंदर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। हरिद्वार बाईपास पर अजबपुर में रेलवे फाटक को जाम से निजात दिलाने के लिए अंडरपास बनाया गया था, लेकिन पानी भरने की वजह से अंडरपास लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मसूरी देहरादून सड़क गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं देहरादून मसूरी मुख्य सड़क का करीब 15 मीटर का हिस्सा भी प्रभावित हुआ है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी का कहना है कि सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है, यानी अगले कुछ दिन पहाड़ पर सावधान रहने की जरूरत है। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ लैंडस्लाइड खतरे की वजह बन सकता है, तो पहाड़ों पर यात्रा करते वक्त सावधान रहें। कौन से रास्ते बंद हैं इसकी जानकारी पहले से हासिल करें, उसके बाद ही यात्रा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। काफी समय से सोशल मीडिया पर ज्योति मिश्रा को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें उन्होंने खुद के आईएफएस अधिकारी होने का दावा किया था, लेकिन अब इस कहानी में नया मोड़ सामने आया है। ज्योति मिश्रा ने कभी यूपीएससी की परीक्षा पास ही नहीं की, पूरा मामला क्या है आइए देखते हैं। हर साल लाखों लोग यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं। जो परीक्षार्थी यूपीएससी परीक्षा पास कर लेते हैं वो देश के सबसे प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो जाते हैं। यहाँ पर यूपीएससी परीक्षा की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ज्योति मिश्रा नाम की एक लड़की की सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। दावा किया गया था कि ज्योति इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी है, लेकिन कहते हैं ना कि एक झूठ छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इससे उलझन और बढ़ जाती है क्योंकि सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है, और यहाँ यही होता दिख रहा है। जो हकीकत सामने आई है वो किसी के भी होश पाकता कर सकती है। असलियत ये है कि ज्योति मिश्रा ने कभी यूपीएससी की परीक्षा पास ही नहीं की। उन्होंने साल 2022 में अपने परिवार से झूठ बोला था कि आईएएस की परीक्षा में उनका चयन हो गया है। ज्योति मिश्रा झूठ पर झूठ बोलती चली गई, यूपीएससी पास कर आईएफएस बनने की कहानी बनाई। उसके बाद स्पेन की मैड्रिड में एमएससी में पोस्टेड होने का दावा किया, जिसका आई कार्ड भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया था।
साल 2022 में यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया हैंडल से ज्योति को चयन पर बधाई दी थी, क्योंकि ज्योति के पिता यूपी पुलिस में दरोगा हैं। ज्योति ने भी अपने घर वालों को झूठी जानकारी दी थी। वो रायबरेली की रहने वाली हैं। उन्होंने घर वालों को यकीन दिलाने के लिए नकली कागजात बनवाए, लेकिन अब ज्योति मिश्रा का झूठ सबके सामने आ गया है। यूपीएससी की वेबसाइट पर फाइनल लिस्ट में ज्योति नाम की सिर्फ दो ही लड़कियों के नाम है, एक ज्योति यादव जिन्होंने ओबीसी वर्ग की आरक्षित सीट से परीक्षा दी थी और दूसरी ज्योति जिनका चयन एससी सीट से हुआ था। इस लिस्ट में सामान्य श्रेणी से चयनित होने वाली किसी ज्योति मिश्रा का नाम भी नहीं है। खबर ये भी थी कि ज्योति स्पेन में ट्रेनिंग कर रही है, लेकिन उनका पासपोर्ट भी अभी तक नहीं बना है और इस तरह वो भारत में ही रह रही है। काफी समय से अपने घर नहीं आई है। खबर सामने आने के बाद घर वालों को भी झटका लगा है, तो इस तरह ज्योति का झूठ उनके लिए ही उल्टा पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। फर्जी आईएफएस ज्योति मिश्रा के बाद ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की भी चर्चा हर तरफ हो रही है। पूजा पर फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी हासिल करने का आरोप लगा। पूजा खेड़कर की तरह अब एमपी कैडर की आईपीएस अनु बेनीवाल का नाम भी चर्चा में है, वो भी अब लगातार ट्रोल हो रही हैं और इन पर भी फर्जीवाड़े के ही आरोप लग रहे हैं। एक और पूजा खेड़कर, लेडी आईपीएस ने की गड़बड़ी, पिता सीनियर अधिकारी, बेटी ने ईडब्ल्यूएस में भांजी मारी। महाराष्ट्र कैडर के ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी हासिल करने का मामला सुर्खियों में है। अब एमपी कैडर की ट्रेनी आईपीएस अनु बेनीवाल का नाम भी चर्चा में है। अनु बेनीवाल को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पिता संजय बेनीवाल भी आईपीएस हैं और इसके बाद भी अनु बेनीवाल ने ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी हासिल की है। इन आरोपों में कितना दम है, क्या नौकरी के लिए अनु बेनीवाल ने फर्जीवाड़ा किया है, इन सवालों के जवाब जानने से पहले आइए अनु बेनीवाल के बारे में जानते हैं। कौन है आईपीएस अनु बेनीवाल? दिल्ली के रहने वाली हैं अनु बेनीवाल। यूपीएससी में 217वां रैंक हासिल किया। 2022 बैच की आईपीएस अफसर है। पिता का नाम संजय बेनीवाल, ग्वालियर की बिजौली थाना में रही है। वर्तमान में ट्रेनिंग पर हैदराबाद गई है। अनु बेनीवाल की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट और यूपीएससी 2022 परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की सूची साझा की गई है। इस लिस्ट में अनु बेनीवाल के पिता का नाम संजय बेनीवाल लिखा है। आरोप लगाया गया कि आईपीएस अधिकारी की बेटी होने के बावजूद अनु बेनीवाल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे का लाभ उठाकर यूपीएससी एग्जाम दिया। स्क्रीनशॉट में वर्दी पहने अनु को आईपीएस अधिकारियों की सूची वाली के आईपीएस संजय बेनीवाल के नाम की ओर इशारा करते दिखाया गया और दावा किया गया कि ये अनु बेनीवाल के पिता हैं। लिस्ट में अनु बेनीवाल के नाम के आगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दिखाई गई है। पिता का नाम भी संजय बेनीवाल ही लिखा है। तो क्या अनु बेनीवाल एक आईपीएस की बेटी है और इन्होंने फर्जी तरीके से ईडब्ल्यूएस का लाभ उठाया? इन सवालों का जवाब है नहीं। अनु बेनीवाल को यूं ही ट्रोलर निशाना बना रखे हैं। इनके पिता का नाम संजय बेनीवाल तो है, लेकिन वो आईपीएस नहीं, एक किसान है। जिस आईपीएस संजय बेनीवाल को इनका पिता बताया जा रहा है वो इनके गांव के रहने वाले हैं और जिन्हें अनु बेनीवाल ताऊ कहती हैं। अनु बेनीवाल ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के गलत इस्तेमाल की बात को भी खारिज किया है। आरोपों में कितना दम? किसान है अनु बेनीवाल के पिता, आईपीएस संजय बेनीवाल इन्हीं के गांव के हैं। आईपीएस संजय बेनीवाल को कहती हैं ताऊ, नौकरी के लिए नहीं किया फर्जीवाड़ा। अनु बेनीवाल को लेकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है। इन्हें आईपीएस की बेटी बताया जा रहा है और फर्जी तरीके से ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ लेकर नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनु बेनीवाल एक किसान की बेटी है और इन्होंने अपनी मेहनत से ये पद हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।